नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की, यानी कि अक्टूबर का महीना धनु लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले आज बात करते हैं ग्रह गोचर की। सूर्य तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 अक्टूबर को। शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर के दिन। मंगल जो है वो 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में आएंगे। बुध जो है वो तुला राशि में 26 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे, यानी कि 25 तारीख तक कन्या राशि के अंदर ही रहेंगे बुध, और 2 अक्टूबर को वो मार्गी भी होंगे। शनि मार्गी अवस्था के अंदर आ रहे हैं 23 अक्टूबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके लग्न के साथ शुरुआत करते हैं। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु आपका चतुर्थ भाव में वक्र अवस्था में चल रहा है, और इस महीने 17 तारीख तक सूर्य की भी दृष्टि रहेगी गुरु पर और शुक्र की भी दृष्टि 18 तारीख तक रहेगी, और उसके बाद 25 तारीख तक बुध की भी दृष्टि रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज बनता है, और गुरु के ऊपर इस प्रकार का दृष्टि संबंध होना और लग्नेश का चतुर्थ भाव में जाना, देखिए वक्र स्थिति है। मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये एक ऐसा समय है कि जहां पर कोई भी बड़े डिसीजंस है वो लिए जा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और करियर से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, जॉब है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो शुरुआत के जो 18 दिन का समय है ये एक तरह से बहुत ही सही समय है निर्णय लेने के लिए। अगर बहुत नेसेसरी है तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर कभी कभी ऐसी स्थितियों में आपको ऐसे भी कार्य मिलते हैं जहां पर आपको घर बैठकर भी बहुत अच्छा इनकम होता है, तो ऐसी स्थितियों में भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। जैसे जो भी टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं या एजुकेशन सेक्टर में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार का जहां पर पब्लिक के साथ जुड़ना, लोगों के साथ कार्य करना, स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ भी आपको काफी अच्छे लेवल तक एक कनेक्टिविटी आप बना पाएंगे। तो यहाँ ये स्थिति मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी है और आपके लिए बहुत ही अच्छी सफलता के योग बनते हैं। इवन 18 तारीख के बाद भी गुरु और बुध का तो दृष्टि संबंध रहेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। पर मैं एक तरह से कहूंगी कि ये जब गुरु बुध का दृष्टि संबंध बनता है थोड़ा विचारशील ज्यादा हो जाता है व्यक्ति, और लग्नेश चतुर्थ में है मगर वक्र अवस्था में है, तो यहाँ ज्यादा इंटेंस थिंकिंग करना और डिसीजंस को आप डीले करना, ऐसी चीजें होती है कि कभी आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में डीले होगा, यानी कि आपकी चीजों में थोड़ा डीले महसूस होगा, मगर चिंता वाली बात नहीं। यहाँ बहुत ही पॉजिटिव समय है आपके लिए, जो भी निर्णय होंगे, जो भी बदलाव होंगे बहुत अच्छे होंगे, इवन आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होगा हर तरह से। सेकेंड हाउस की बात करते हैं, द्वितीय भाव में शनि वक्र अवस्था में है और 23 तारीख के बाद वो मार्गी होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 15 तारीख के बाद मंगल की जो एंट्री होती है मिथुन राशि के अंदर, तो उसकी एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि लग्न के ऊपर तो मंगल की दृष्टि पहले भी रहेगी और बाद में भी रहेगी, मगर बाद में जो दृष्टि है वो शनि के ऊपर पड़ती है 15 तारीख के बाद। तो फैमिली मैटर, घर परिवार के अंदर आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावना है। प्रॉपर्टी मैटर से कनेक्टेड कुछ चीजें हैं, उससे रिलेटेड आपके कुछ लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं हो सकती है, कुछ निर्णय अनिर्णय की स्थिति हो सकती है, जो डिसीजन काफी समय से रुके हुए हैं उसकी वजह से आपको कुछ लड़ाई झगड़े करने पड़े, ऐसी स्थितियां फैमिली के अंदर आपके क्रिएट होगी। आपकी वाणी को बहुत संयम में रखना पड़ेगा 15 तारीख के बाद, क्योंकि वो वाणी की वजह से आपके काफी घर में स्ट्रेस की स्थिति क्रिएट हो सकती है। फाइनली
फाइनेंशियल फ्रंट पर आपके लिए अच्छी परिस्थिति है, आपके एक तरह से कहूँ कि फाइनेंशियली आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। सेविंग्स लॉन्ग टर्म होगी, बहुत उतावलापन इन्वेस्टमेंट में मत कीजिएगा, ये चीज मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो भी इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो अच्छा है। बहुत ज्यादा मतलब आकर्षित चीजों के पीछे भागना आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि कोई इवन किसी रिलेटिव को भी आपके पैसे देना, इस तरह की परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए। थर्ड हाउस की बात करते हैं, तृतीय शनि बनकर सेकेंड हाउस में और वापस वक्र अवस्था में 23 तारीख तक और मंगल के दृष्टि संबंध के साथ है। देखिए भाई बहनों के साथ भी आपको कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो वहां पर थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इवन कोई मैटर है फैमिली मैटर के, जहां पर क्योंकि भाई बहन का घर जो होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस के साथ भी जुड़ा हुआ, तो फैमिली मैटर के अंदर कोई भी अगर इस प्रकार का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या कुछ भी है तो वहां पर बहुत पीसफुली आप चीजों को हैंडल कीजिएगा। इवन उनके साथ आप कोई काम नहीं कर रहे तो कोई रिलेशनशिप भी है तो जहां पर आपको थोड़े अपने वाणी को संयम में रखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें आप, मैं तो कहूँ कि फेस्टिवल सीजन है तो ज्यादा लड़ाई झगड़े को अवॉइड कीजिए तो ही अच्छा है। बाकी 15 तारीख के बाद इस चीज का आपको ध्यान रखना है और नए इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, परिस्थितियां कंफर्टेबल रहेगी, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। एक तरह से ऐसे डिसीजन तो आप पूरे ही महीने ले सकते हैं, कोई ऐसा डरने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि बाद में दशमेश की स्थिति जिसकी मैं बात करती हूँ अभी आगे, तो बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको थोड़ा लगे कि कंफर्ट जोन बनेगा नहीं बनेगा, एक ऐसे काफी स्ट्रेस की स्थिति रहेगी, मगर मेरे हिसाब से कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो ये समय आपको काफी फेवरेबल है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में गुरु का वक्र अवस्था में भ्रमण चल रहा है, सूर्य की भी दृष्टि है। यहाँ क्या है कि प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं बेचना चाहते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी आपके साथ। अगर आप कोई भी ह्यूमन रिसोर्स या बैंकिंग के अंदर हैं या कोई ऐसा पब्लिक डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ आप ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मैं तो कहूँ कि अगर गवर्नमेंट से कनेक्टेड कुछ चीजों का आप इंतजार भी कर तो 18 तारीख तक मैं कहूँ कि आपके जॉब के अंदर भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ये जो केंद्र के ग्रह हैं, यानी कि गुरु के ऊपर जो सूर्य और शुक्र और बुध, ये तीनों जो दृष्टि संबंध बना रहे हैं एक तरह से बहुत, मैं तो कहूँ पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि यहाँ व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी आती है और इवन प्रॉपर्टी के मैटर में भी खरीदने बेचने के अंदर वो डिसीजंस प्रॉपर ले पाता है। आप कुछ डीलेज आप खुद करें तो बात अलग है, बाकी मुझे तो लगता है कि अगर आप इस प्रकार का कोई एजेंट से कनेक्टेड कार्य करते हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी लेने बेचने का कार्य करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। और लोन डिपार्टमेंट के अंदर जो जो लोग कार्य करते हैं, इवन बैंकिंग के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। प्लस टीचिंग सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, जो भी प्रोफेसर्स हैं टीचर्स हैं ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो कोई ऐसी घबराने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ मानसिक एक तरह से आप थोड़ा स्ट्रेस जरूर लेंगे, ये चीज है, छोटी छोटी चीजों में आप स्ट्रेसफुल रहेंगे, क्योंकि गुरु बुध का दृष्टि संबंध भी है और जो पोजिशनिंग है गुरु की वक्री है तो यहाँ पर व्यक्ति को उतावलापन थोड़ा देता है ये चीज, क्योंकि लग्न के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा, डिसीजंस आपके फेवर में होंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव का अधिपति इनिशियल 15 दिन के लिए आपके सिक्स हाउस में मंगल रहेगा, उसके बाद मंगल की पोजिशनिंग चेंज होती है और ये जो मंगल का जो घर है उसमें राहु है तो ये एक ऐसी स्थिति मैं कहूंगी कि जहां पर 15 दिन जो शुरू के हैं वहां पर स्टॉक मार्केट वालों को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा समय है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी इन्वेस्टमेंट करना और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आप किसी अट्रैक्टिव ऑफर के पीछे चले जाओ तो वो चीजें थोड़ा आपको शुरू के 15 दिन अवॉइड करना चाहिए। 15 तारीख के बाद ऐसी कोई भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है।
मगर फिर भी मैं कहूंगी राहु यहाँ है तो सोच समझ के आगे बढ़िएगा। देखिए कोई भी रिलेशनशिप में है तो वहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि राहु यहाँ पर इंसान को भ्रमित कर देता है, तो ऐसी स्थितियों में लड़ाई झगड़े होते हैं, और ये एक ऐसा अट्रैक्शन होता है जो फिजिकल होगा, मगर इसमें कोई भी प्रकार का, जिस तरह का जो इमोशंस और जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं होगा, यानी कि एक तरह से अट्रैक्शन होगा। तो थोड़ा आप सोच समझ के नेक्स्ट लेवल पे जाइएगा, यानी कि कोई भी रिलेशन को नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना है तो अभी बहुत उतावलापन मत कीजिएगा, थोड़ा उस व्यक्ति को परखने के बाद ही आगे बढ़िए। इस तरह के डिसीजंस को अभी अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो जो जो मेडिकल के छात्र है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, भले वो इनिशियल पार्ट हो या उसके बाद वाला पार्ट हो। टेक्निकल लाइन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, पर शुरू के 15 दिन थोड़ा आपके डिसीजंस स्टडीज में लेकर थोड़े गलत होंगे, यानी कि शुरू के 15 दिन में ऐसा है कि आप कहते हैं ना करियर में थोड़ा भटकाव की स्थिति के, जहां पर व्यक्ति का फोकस अपने एजुकेशन की तरफ नहीं होता है। 15 तारीख के बाद जैसे मंगल चेंज होगा, यानी कि 16 तारीख से, वहां आपके एजुकेशन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आप पढ़ेंगे तो भी आपको एक प्रॉपर फोकस के साथ आपका कार्य कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है, अपनी तरफ से कोई भी इस प्रकार की कमी मत रखिएगा। और अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर भी एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पंचमेश का 6th हाउस में जाना, वहां आपको हेल्थ को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा 15 तारीख तक। उसके बाद परिस्थितियां इतनी खराब नहीं है, मगर तब तक आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर का जो भी ट्रीटमेंट है उसको करवा लेना चाहिए। बिल्कुल इसको अवॉइड मत कीजिएगा, चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का अधिपति इनिशियल पार्ट पर जो है 10th हाउस में है, शुक्र बनकर नीचस्थ अवस्था में है, उसके बाद वो उच्च अवस्था में आएंगे 18 तारीख के बाद, वो आपके एक तरह से कहा जाए कि 11वां स्थान है। तो मेरे हिसाब से अगर लोन लेना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद लीजिए। उसके बाद भी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं कहूंगी कि सूर्य काफी नीचस्थ है, मगर बहुत जरूरी है कि लोन लेना ही पड़ेगा तो 18 तारीख के बाद लीजिएगा, क्योंकि अभी ये समय ऐसा है कि बहुत बड़े लोन्स में आपको नहीं फंसना चाहिए। देखिए बिजनेस के लिए, आप एक्सपांशन के लिए करना चाहते हैं, कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा जो भी कीजिए, बहुत बड़े बड़े साहस करने का ये समय नहीं। यहाँ पे क्या है, देखिए लोन लिया जाए, कंफर्ट जोन में लिया जाए तो कोई इशू नहीं है, मगर कभी कभी क्या होता है व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। एक रिस्क टेकिंग वाला जो कार्य है वो अभी मत कीजिएगा, करना है तो 18 तारीख के बाद कीजिए, उसके बाद कोई इशू नहीं है। तब तक का जो समय है वहां थोड़ी गलत डिसीजंस हो सकते हैं। दूसरी चीज हेल्थ की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड और स्पेशली डायबिटीज और थायराइड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये चीजों को आपको प्रॉपरली ट्रीट करके चलना चाहिए। वैसे गुरु की दृष्टि है तो ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है, फिर भी हमें हमारी तरफ से सतर्क रहना जरूरी है। और शत्रु के साथ एक तरह से आपको अभी किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट में नहीं उतरना है, स्पेशली शुरू की जो 15 दिन का समय है तो वहां पर मंगल आपका 6th हाउस में रहेगा, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिस्प्यूट में आपको हारने नहीं देगा, मगर हो सके तो अकारणीय किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि ये कोई रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा आपके लिए, और आपका ऑलरेडी जो आपकी जो कैलिबर है उसको एक तरह से स्ट्रेस में डाल देगा। तो उससे तो अच्छा है कि उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, और इस चीज कोई भी इस प्रकार का डिस्प्यूट है तो उससे आपको दूर रहना है, बाकी कहीं पर भी आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम में, क्योंकि लग्नेश की स्थिति भी काफी स्ट्रांग है और आपका मंगल भी इनिशियल पार्ट पर भी मंगल 6th हाउस में है, जो काफी व्यक्ति को स्ट्रेंथ देता है, मगर अकारणीय लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए आपको। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7वें घर का अधिपति जो है बुध बनकर आपके 10th हाउस में 25 तारीख तक, और बहुत ही स्वगृही पोजीशन है, बुधादित्य योग बन रहा है। बिजनेस के अंदर एक तरह से कोई भी बड़े डिसीजन, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज फूड बिजनेस में है, कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल लाइन के अंदर है तो भी बहुत अच्छा है।
जो भी अकाउंट्स से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी अच्छा, और पब्लिक डिपार्टमेंट के अंदर जो जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। यहाँ मंगल जो है वो 16 तारीख के बाद आएंगे, तो वहाँ 16 तारीख के बाद पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, मगर मैं कहूँ कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी आपके पास। प्लस ये एक ऐसा समय है कि जहां पर मंगल की दृष्टि भी आपके यहाँ 10th हाउस पे पड़ती है, तो कार्य के अंदर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए प्राप्त होंगी। इवन इनिशियल पार्ट में भी आपके बहुत अच्छे ग्रह 18 तारीख तक बैठे हुए, तो आप वो कुछ अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और फाइनेंशियली काफी अच्छा ग्रोथ है। यानी कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो वहां आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज होगी, जो भी कार्य करेंगे आपका बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा, कोई घबराने की स्थिति नहीं है, कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये मंगल जो 7th हाउस में आता है वो कभी कभी छोटी छोटी चीजों में लाइफ पार्टनरशिप हो या पार्टनरशिप हो उसके अंदर क्लैशेस करवाता है। अगर पार्टनरशिप भी करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कोई घबराने की स्थिति नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे सारे ग्रहों की पोजिशनिंग काफी फेवरेबल है। गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का या कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और रुके हुए सारे कार्य आपके इस महीने होंगे और आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस पर गुरु की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है। कोई भी प्रकार का आप कहते हैं ना मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा, और टेक्निकल डिपार्टमेंट वालों के लिए भी अच्छा है। अनएक्सपेक्टेडली आपको प्रॉपर्टी से काफी अच्छा गेन हो सकता है, ये चीज मैं जरूर कहूंगी। बाकी और फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी चीजें हैं तो वहां पर भी आपको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई भी ऐसी घबराने की स्थिति नहीं है, कोई भी कार्य आपका अटकेगा नहीं, तो एक तरह से पॉजिटिव नोट है। और शुरू के जो 15 दिन है वो कोई भी बाहर विदेश जाने के कार्यों के लिए बहुत ही सही समय है, उसमें आपका कार्य संपन्न होता है। 15 तारीख के बाद भी वो चीज फेवरेबल है, तो कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं। यार रिसर्च भी काफी आपके कहते हैं ना फोकस्ड होकर रहेंगे, और उसमें आपको रिजल्ट्स भी काफी अच्छे प्राप्त होंगे। 9th हाउस की बात करते हैं, 9th हाउस का अधिपति खुद 10th हाउस में, और उसके बाद 17 तारीख के बाद वो आपके 11th हाउस में, तो भाग्य का, कर्म का और लाभ का पूरा लेन देन है इस महीने, तो आपका भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा आपको। कोई भी जगह पर आपका भाग्य का सपोर्ट कहीं पर भी कम नहीं होगा, तो आप इनिशिएटिव लीजिए, आप आगे बढ़िए, कोई भी बदलाव है एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, कंफर्ट जोन ऑटोमेटिक बन जाएगा, आपको कहीं घबराने की स्थिति नहीं है। कुछ चीजें हम खुद रोक के रखते हैं तो वो चीजें मत कीजिए, जो भी रास्ता बन रहा है उस तरफ आपको चलना चाहिए। अगर कोई भी चेंजेस है उसको बिल्कुल घबराने की स्थिति नहीं है। हाँ, अगर ऑलरेडी वेल सेट है तो फिर बहुत ज्यादा आप उसी में कैसे डेवलप करना है वो देखिए। अगर जिसके पास जॉब नहीं है तो वहां भाग्य का सपोर्ट है, थोड़ा कर्म आपका प्रॉपर रखना पड़ेगा। और यहाँ आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी फूड बिजनेस से कनेक्टेड लोग हैं, खाने पीने का और कंस्ट्रक्शन का, इंटीरियर का, और जो भी कहते हैं ना कि ज्वेलरी का कार्य करते हैं या कोई भी खूबसूरती से कनेक्टेड, आर्ट से कनेक्टेड चीजें हैं, उन सभी में आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। और स्पेशली जो फूड बिजनेस वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये। और ये आध्यात्मिकता के अंदर आपके काफी अच्छा डेवलपमेंट होगा, जो भी स्पिरिचुअलिटी होगी वो कुछ जैसे आप पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों को आप बहुत अच्छा मतलब जो कहते हैं ना सेवा कार्य, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा, सेवा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ना कि आप जो कहते हैं नाम स्मरण। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम लेने में आपका इंटरेस्ट होगा, मगर आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी का कुछ अलग प्रकार से होगा, जैसे कि आप लोगों की सेवा करें, पशुओं की सेवा करें, उनके लिए आपको फील होगा, तो वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी भी है। कोई भी यहाँ मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और टीचिंग सेक्टर के अंदर या आईटी के अंदर, तो बहुत अच्छी परिस्थिति है, फाइनेंस वालों को लिए भी अच्छा है। 10th हाउस की बात करते हैं, 10th हाउस में देखिए करियर से कनेक्टेड जो भी डिसीजन है, 18 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है।
अथॉरिटीज का सपोर्ट भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। कोई प्रमोशन अटका हुआ है, इस महीने आपका संपन्न हो सकता है। मैं कहूंगी कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड होंगे, पीछे नहीं जाएंगे। आपके लिए हर तरह से जो जो अटके हुए कार्य है, इस महीने आप कोई भी बड़े कार्य को संपन्न करना चाहते हैं। फाइनेंशियली बहुत फायदा है आपको, प्रॉपर्टी से भी बहुत फायदा है आपको। सर्कल के अंदर, यानी कि आप जो भी करियर के अंदर हैं, जहां जॉब कर रहे हैं, वहां आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा और एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए क्रिएट होती है। 11th हाउस की बात करते हैं, 11वें स्थान में केतु और सूर्य यहाँ पर नीचस्थ अवस्था में 17 तारीख के बाद आएंगे और शुक्र उच्च के होंगे, तो लाभ की प्राप्ति डेफिनेट होगी। कुछ चीजों में ऐसा होगा कि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेगी, तो वहां कभी कभी मैचअप ना हो पाए क्योंकि सूर्य काफी नीचस्थ है। मगर फिर भी मैं कहूंगी कि 17-18 तारीख तक का समय बहुत ही एक्सीलेंट है। उसके बाद अगर आपको कुछ पॉइंट्स पे लगे कि भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डरने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि शुक्र का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होगा आपको। आपके सर्कल के अंदर भी आपका बहुत ही मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों को काफी सपोर्ट मिलेगा आपको। अब बात करते हैं आपके 12th हाउस की 12वें घर में जो मंगल का, मुख्य रूप से मंगल उसका अधिपति है और वो आपके 6th हाउस में पहले, उसके बाद 7th हाउस के अंदर है, तो कोई भी प्रकार का खर्चे हैं उस पे कंट्रोल रखिए। और स्पेशली ये खर्चों के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वहां थोड़ा संभलना पड़ेगा। और 15 तारीख तक खर्चों की स्थिति ज्यादा है, उसके बाद आप जो करेंगे वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। विदेश से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो वहां पर आपको पूर्ण रूप से काफी हेल्पफुल स्थिति है, तो कोई डरने वाली स्थिति नहीं है। यहाँ गुरु पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है, आपके कार्य थोड़े डिलेस के साथ भी पूरे होंगे। और कोई भी प्रकार का अगर डिस्प्यूटेड स्थिति चल रही है, लीगल मैटर है, तो वहां थोड़ा संभल के रहना चाहिए। वाणी को वहां संयम में रखिएगा क्योंकि वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और स्पेशली 15 तारीख तक डिस्प्यूटेड स्थिति है तो वहां थोड़ा संभल के रहिएगा। अभी कोई लीगल मैटर के अंदर अगर आप शांति बना के रखेंगे तो कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखिएगा वहां पर, बाकी बहुत कोई डरने वाली स्थिति नहीं है। देखिए, जो भी परिस्थिति है धनु लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टेक्ट लिया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।